नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में सभी की निगाहें विराट कोहली पर थीं। विराट कोहली 7 साल बाद किसी की कप्तानी में खेलने मैदान पर उतरे थे। पिछले हफ्ते टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद कोहली का ये पहला मुकाबला था। पार्ले के बोलेंड पार्क में जब विराट कोहली एक खिलाड़ी के तौर पर खेलने के लिए मैदान पर आए तो फैंस उनका रिएक्शन देखना चाहते थे कि क्या विराट कोहली वैसे ही गुस्से वाले रिएक्शन में दिखाई देंगे या फिर एकदम शांत। विराट ने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैच में फील्डिंग के दौरान इसका जवाब भी दे दिया कि कप्तानी रहे या ना रहे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैदान में उनकी एनर्जी उतनी ही बरकरार रहेगी। कोहली ने बल्ले से उमदा प्रदर्शन करते हुए 51 रन की पारी खेली, लेकिन एक बार फिर शतकीय पारी खेलने में नाकामयाब रहे। वैसे मुकाबले के दौरान कोहली का आक्रामक अंदाज फिर से देखने को मिला जिसने उनकी कप्तानी के दौर की याद दिला दी। फील्डिंग के दौरान विरोधी कप्तान टेम्पा बबुआ के साथ विराट कोहली की कुछ देर तक नोकझोंक देखने को मिली। युजवेंद्र चहल की गेंद के दौरान बबुआ ने एक शॉट कवर्स की दिशा में खेला था। गेंद सीधे विराट कोहली के हाथों में गई। जब तक अफ्रीकी कप्तान शॉट खेलकर अपनी क्रीज में वापस जाते, विराट कोहली का एक तेज थ्रो उनकी तरफ आया। बबुआ ने नीचे बैठकर किसी तरह अपने आप को बचाया। बस फिर क्या था, दोनों के बीच आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और शब्दों का आदान प्रदान शुरू हो गया और कोहली और अफ्रीकी कप्तान टेम्पा बबुआ के बीच नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल विराट का थ्रो टेम्पा बबुआ के करीब से गुजरा था और वे बाल बाल बच गए। इसके बाद बबुआ विराट कोहली को कुछ कहते हुए दिखाई दिए। कोहली भी कहाँ पीछे रहने वाले थे और उन्होंने भी आक्रामक अंदाज में अफ्रीकी कप्तान को जवाब दिया। सोशल मीडिया पर इस वाक्य से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि टेस्ट सीरीज के दौरान भी दोनों खिलाड़ियों के बीच में मैदान पर टीकी नोकझोंक देखने को मिली थी, लेकिन इस नोकझोंक ने ये तो साफ कर दिया है कि विराट कोहली ने सिर्फ कप्तानी छोड़ी है लेकिन जोश और एग्रेशन वो ही रहने वाला है जो सभी फैंस देखना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।